वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये वाला नवरात्रि फेस्टिव मेकअप लुक। ये वाला मेकअप लुक आपको दिखने में जितना ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना, उतना ही इजी स्टेप से मैंने ये क्रिएट किया है। सो होप आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर रेड बटन क्लिक कर लो, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स डू इट। अभी हम आ गए हैं अपनी रियल स्किन में, मतलब अभी मेरे फेस में बिल्कुल कोई भी मेकअप वगैरह नहीं लगा हुआ है। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया, मैं थोड़ा सा रोने लगी थी, सॉरी। मैं उसमें बताया था मैंने आपको कि मेरा कैमरा ब्लू हो रहा है। सो उसके वजह से मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। सो जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले मैंने ये लगाया है गुड वाइब्स का टोनर। सो इससे आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। फिर मैं ले रही हूँ ये निविया की एलोवेरा वाली क्रीम। इससे ये आपकी फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगी, अपना फेस मॉइस्चराइज, मतलब स्किन केयर यार कर लिया करो। पहले मैंने सोचा था कि स्किन केयर मैं इंक्लूड नहीं करूँगी इस वीडियो में, पर मैंने सोचा चलो अच्छा अब कर ही रहे हैं तो दिखाई देते हैं यार, ठीक है। तो वैसे तो मैं सेटाफिल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन, बट कभी कभी मैं निविया भी यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ जब मैं बनाती हूँ, तो मैं निविया यूज़ करती हूँ। फिर मैं लगा रही हूँ NY मेकअप प्राइमर, और ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है, पोर फिलिंग प्राइमर है, आपके जितने भी पोर्स हैं ये ब्लर कर देगा। आज मैं अपना बेस पहले नहीं करूँगी, ये एक्चुअली मैं मुँह ऐसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा निकल आया था, थोड़ा सा गिर गया था। सो आज मैं बेस पहले नहीं करूँगी, आज मैं अपना आई मेकअप पहले करूँगी। मैंने गलती कर दी, मुझे पहले अपने पूरे फेस में नहीं लगाना चाहिए था, फालतू वेस्ट हो गया यार। सो अभी हम अपनी स्पूली से अपनी आईब्रोज़ को करेंगे कॉम। सो आप क्या करो, अपनी आईब्रोज़ को नीचे की तरफ कॉम करो, ऊपर की तरफ कॉम मत करो। जब आप अपनी आईब्रोज़ को सेट करने जाओ ना, तो आप नीचे की तरफ पहले उसको कॉम कर लो, फिल कर लो, फिर आप ऊपर की तरफ उसको वापस से स्पूली के हेल्प से कॉम कर लो, ठीक है। सो ये है जैकलम हिल की आई शेडो पैलेट। इससे मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ। अब आप सोचोगे कि ये ब्लैक शेड तो ले रही है पर बहुत ही ज़्यादा ओवर लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैलेट बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं देती है। सो इसका जो ब्लैक कलर है वो ग्रे की तरह चलता है, मैं तो कहूँगी ग्रे की तरह भी नहीं चलता है। सो इसलिए वो आपकी आईब्रो फिल करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। सो आप देख सकते हो मैं अपने आईब्रोज उसी के हेल्प से फिल कर रही हूँ। अभी मेरी दोनों आईब्रोज़ फिल हो चुकी हैं। अभी मैं ले रही हूँ ये ओलिविया का कंसीलर, एंड मेरा शेड है इसमें 01, सॉरी मुझे दिख ही नहीं रहा है इसका शेड। सो अभी ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ये थोड़ा पिंक पिंक टाइप का लगता है, पर इट्स ओके, एट द एंड ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और मैं ज़्यादा भर भर के लगाती नहीं हूँ, इसमें मैं ज़्यादा भर के मैंने लगाया नहीं है, इसलिए मेरे से एकदम परफेक्ट है ये। फिर मैं अपनी आई लिड्स में भी लगा रही हूँ। आज मैं अपनी आई लुक पहले क्रिएट कर रही हूँ, आज मैं अपना आई लुक पहले क्रिएट करूँगी। और मैंने अपनी आई सेट कर ली, और वो भी किससे की, मैंने अपने आई शेडो से सेट की है। इस जैकलम हिल की पैलेट में आपको फर्स्ट नंबर वाला दिख रहा है ना, उससे मैंने सेट किए हैं। ये भी एक हैक है, आप सेट कर सकते हो। फिर मैंने सबसे लाइट एक ट्रांजिशन शेड लिया है जैकलम हिल की पैलेट से, उसको मैं अपनी अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। और ये मैं ऐसे पकड़ के इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, ये मैंने देखा है बहुत सी होती है ना पार्लर वाली, ऐसे ही करती हैं। फिर मैंने उससे डार्क शेड लगाया, फिर अभी मैं उससे भी डार्क शेड लगा रही हूँ, अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख रहे हो कैसे अच्छे से डेप्थ मिल गई है मेरी आईज़ को, है ना। अब मैं इसके बाद वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लूँगी, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, टूट गया है पर आज मुझे यूज़ करना ही था क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कोई भी कट क्रीज नहीं क्रिएट कर रही, आपको मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने बस इसको
प्लेस कर लिया है और एक क्लीन ब्रश लेके अच्छे से मैं इसको बस ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। फिर मैं ले रही हूँ वापस, हम लोग अपनी फेस की स्किन केयर पर बढ़ेंगे क्योंकि आई मेकअप इज़ डन। और अगर आप अपनी स्किन केयर पहले नहीं करना चाहते हो तो आप मत करना, स्किप कर देना क्योंकि मैंने पहले की थी एक बार, अब मैं दोबारा कर रही हूँ। प्राइमर मुझे नहीं लगाना चाहिए था बट इट्स ओके, मेरी वो गलती थी। मैं ले रही हूँ ये सनस्क्रीन, सनस्क्रीन ये डे टाइम था, जैसे मैं जब कर रही थी तो ये डे टाइम था सो इसलिए मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन है, काफ़ी अच्छी वाली सनस्क्रीन है। फिर मैं ये वैसलीन की जेली है मेरे पास, इसको मैं अपने लिप्स में लगा रही हूँ अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए। यार लिप्स में हमेशा भूल जाती हूँ, लिप्स में भी लगा लिया करो यार। चलो अच्छा, इसने तो मुझे परेशान कर दिया बिल्कुल। ये है स्टे क्वर्की की बीबी क्रीम, इसका शेड है आई थिंक डॉटर्स बियर ऐसा करके कुछ शेड है। इसके मैंने इतनी सारे लिए आप देख सकते हो और मैं भर भर के लगा रही हूँ फिर भी इसने मुझे बिल्कुल कवरेज नहीं दी। और ये ना थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर है, येलोइश टाइप का आप देख सकते हो, लेकिन परफेक्ट है, मतलब ब्लेंड हो जाता है ना तो बहुत परफेक्ट लगता है। अब मैं इसको ब्लेंड तो कर रही हूँ अपने हाथों की हेल्प से ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर ना खा जाए, फिर मैं बाद में सेट कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। भाई साहब ये क्रीम ऐसी है ना कि ये तुरंत सूख जाती है, ये तुरंत ड्राई होने लग जाती है, जैसे हम लोग लाइक फिट में फाउंडेशन लगाते हैं वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है, पर ये बहुत जल्दी ड्राई हो रही थी। और मतलब मैं इसको 0 मार्क्स दूंगी, कसम से मैं इसको 0 मार्क्स दूंगी ना। और ये ना अगर आप परचेस करने वाले हो ना तो मत करना, इसके जगह आप कोई और परचेस कर लो। तो फिर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेकअप ख़राब हो ही चुका है सो मैंने सोचा कि कंसीलिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। और मेरा फेस अभी काफ़ी ज़्यादा येलो येलो हो गया था तो इसलिए मैंने ओलिविया का कंसीलर लिया, इसने मेरी लाज रख ली, इससे मेरा फेस अच्छे से सेट हो गया था, ठीक है, इतना ख़राब नहीं लग रहा था और बहुत अच्छे से सेट हो गया था। फिर मैं ले रही हूँ ये वाइट टोन का फेस पाउडर, इसका पाउडर बहुत ही ज़्यादा फाइन है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा फेस थोड़ा येलोइश टाइप का लग रहा है सो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है डेली बेसिस मेकअप के लिए। अगर मैं आज मेकअप कर भी रही हूँ ये वाला तो इस मेकअप के लिए भी मुझे बहुत पसंद आया ये, और इसने मेरा फेस अच्छे सेट कर दिया था। तो चलो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल, प्लीज़ हंसना मत मैं लगा के बैठी हूँ, लेकिन इसका सच में वाइट टोन पाउडर बहुत अच्छा है। आज मैं थोड़ा आईलाइनर थोड़ा थिक लगाऊंगी, थोड़ा क्या मैंने बहुत ही थिक लगा लिया था, विंग कोई भी नहीं क्रिएट करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि आई लुक आज का बहुत हैवी था और लिप्स भी बहुत हैवी थे, ठीक है। फिर मैं लगा रही हूँ स्टे क्वर्की का काजल। अब आप सोचोगे कि ये ब्लू काजल क्यों लगा रही है, ब्लू काजल मैं इसलिए लगा रही हूँ, पहले मैंने सोचा अगर मैं आईज़ में भी एकदम ब्लैक ब्लैक कोल कर लूँगी, कोल लुक कर लूँगी, उसके बाद मैं लिप्स भी अपने एकदम बोल्ड रख लूँगी, बोल्ड में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, हाँ अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों में लगाऊंगी, थिक काजल लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने सोचा ये दोनों अगर मैचिंग नहीं किया तो ऊपर भी पूरा बोल्ड वाला लुक एंड लिप्स भी थोड़ा ऐसे, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें हम कुछ दिमाग लगाते हैं, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लू लेंगे तो परफेक्ट जाएगा ब्लू काजल। फिर मेरा अच्छे से बेकिंग हो चुकी है, इसने मेरा फेस बहुत अच्छे से सेट कर दिया है, बहुत अच्छे से सेट कर दिया है, और ये बहुत आराम से ना निकल भी जाता है ये वाला पाउडर, जैसे और पाउडर्स होते हैं ना जैसे वो निकलते नहीं हैं, चिपक जाते हैं अजीब अजीब तरीके से, होते हैं बहुत से ब्रांड से होते हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ ये शुगर का कॉन्टोर ब्रॉन्जर, ये मिनी ब्रॉन्जर है, और ये वाला जो इसका ब्रश है ना ये इसका ब्रश नहीं है, ये एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये परफेक्ट है फॉर कॉन्टोरिंग एंड ब्रश। आज मेरी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से हुई थी और एक्चुअली लाइट चली गई इसलिए पीछे गोल्डन लाइट बंद हो गई, वीडियो मैं स्पीड में इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बोरिंग ना लगे वीडियो। फिर मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, अब पहले मैंने सोचा नोज़ कॉन्टोर नहीं करते, फिर मैंने सोचा
कॉन्टोरिंग तो इसकी जान है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर कॉन्टोर नहीं करेंगे ना तो ये मेकअप इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। अपने फोरहेड की कॉन्टोरिंग करूँगी अच्छे से। वैसे तो मैं फोरहेड की कॉन्टोरिंग कम करती हूँ पर आज मैं अच्छे से कर रही हूँ। फिर एक फ्लैट ब्रश लिया मैंने, उस ट्रांजिशन शेड लेके बस अपनी लोअर लाइन में मैं बस स्मच कर रही हूँ और कुछ नहीं। और फाइनली लाइट भी आ गई। प्लीज़ आप बैकग्राउंड बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, बस मैं ऐसे ही एक शेड देने के लिए ऐसे कर रही हूँ और तो कुछ नहीं। और अभी आपको मेरे माउथ एरिया में पाउडर दिख रहा होगा बिकॉज़ मैंने वहाँ सेट करने के लिए रखा हुआ है। फिर मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का ब्रश, ब्लश पैलेट है ये। इसमें आपको फोर शेड्स मिलते हैं। ठीक है, फोर शेड्स मिलते हैं। इसमें दो शेड मैट है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल भी आपको शिमर नहीं मिलेगा। लेकिन एक पिंक शेड है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, ये वाला, इसमें ना शाइन है और शाइन है तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो आज के मेकअप के लिए ये जो शाइन वाला था ना, ये बेस्ट था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने चीक बोन्स पे ही लगाऊंगी, लेकिन मैं जब तक अपने एप्पल ऑफ द चीक में नहीं लगाती हूँ ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता मेकअप। फिर मैंने और थोड़ा ज़्यादा लगाया, फिर मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुई। फिर मैंने लगाया ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। ये इसके आप हालत तो देख रहे हो, पूरा टूट चुका है, पर ये आज बहुत मेरा मन था लगाने का क्योंकि बहुत अच्छा ग्लॉसी ग्लॉसी शाइन, सॉरी ग्लॉसी नहीं सॉरी शाइनी सा लुक देता है, इसलिए मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, नोज़ अपनी अच्छे से हाईलाइट करूँगी, चीक्स, फिर मैं अपनी सॉरी आईज़ के कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ब्राउ बोन तो हाईलाइट करना ही चाहिए, ब्राउ बोन आप हाईलाइट करोगे ना लुक अलग सा ही लगेगा। अपनी आईलैश को करूँगी कर्ल, आपको खुद ही डिफरेंट दिख जाएगा जब आप अपनी आईलैश को कर्ल करोगे ना कभी भी, तो आपको डिफरेंट खुद खुद ही दिख जाएगा। अगेन 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 मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। मोस्टली मुझे ये क्वेश्चन होते हैं कि आप हमेशा क्यों यूज़ करते हो। भाई मुझे जो मिल जाता है मैं यूज़ कर देती हूँ। अच्छा सच्ची बात बताऊँ, मेरी जो मस्कारा है ना वो ड्राई हो गया रखे रखे। अब आप ही मुझे कोई ऑप्शन बता दो कि मैं क्या करूँ, क्यों ड्राई हो रहा है, मैं उसको कैसे सही करूँ। अब मेरे पास ये है, ये बहुत अच्छा है, और मेकअप अच्छा करना है तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही चाहिए ना, अब हम सूखा तो नहीं दिखा सकते। इसलिए चलो एनीवेज, मैंने स्टार्ट में भी अपना लिप्स का आपको दिखाया था कि मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रहे थे। अब जब मेकअप पूरा एंड होने वाला है फिर भी मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ क्योंकि 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 एक है ट्रिक आगे। फिर उसके बाद मैं और एक बार बोरोलिन लगा रही हूँ क्योंकि बोरोलिन बहुत सही मॉइस्चराइज़ करती है आपके लिप्स को। सो मैंने ये भी लगा लिया, मेरे लिप्स अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। अभी मैं लगा रही हूँ, अच्छा आप शॉक हो गए होगे ना, बट या मैं लगा रही हूँ मस्कारा। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मुझे डार्क लिपस्टिक चाहिए, एकदम डार्क वाली जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा है, पर मेरे पास डार्क थी नहीं। तो मैंने लगा लिया फर्स्ट ब्लू हेवन का मस्कारा। फिर मैंने लिया ये एन वाई बी की माई फेवरेट लिपस्टिक, इसका शेड है कुछ मिरांडास, नहीं मिरांडास नहीं है, फर्स्ट किस ऐसा करके कुछ है, इसको लगा रही हूँ। और देखो लिपस्टिक शेड देखो, ओ माई गॉड गाइज, दिस इज द फाइनल लुक, लिपस्टिक शेड देखो। सो एक लाइक तो बनता है ना मेरी वीडियो के लिए, तो जल्दी से जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय, लव यू लॉट।